तो सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम करने वाले बाइसेप वर्कआउट, जो कि आपकी जो आर्म्स है उसको बड़ा दिखाने में हेल्प करता है। अभी आर्म्स भी क्या, ट्राइसेप भी आएगा, बाइसेप भी आएगा, लेकिन आज हम खाली बाइसेप की बात करेंगे जो आप जिम में परफॉर्म करोगे। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। तो सबसे पहले जिम फर्स्ट वर्कआउट कौन सा होने वाला है मैं बताता हूँ। देखो, जैसे कि आपके जिम में कोई भी आप डंबल ले लो, मैं आपको 10 के डंबल से बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने 10 का डंबल ले लिया, अभी सबसे पहले क्या, नॉर्मल से बाइसेप कैसे मारते हैं, ये मारते हैं ये, लेकिन हमें ऐसा नहीं मारना है। हमें क्या करना है, आपका हैंड दोनों बाहर और जो आपका एल्बो है अंदर, उसके बाद दोनों एक हाथ से ऊपर रखना है, उसको होल्ड करके रखना है, फिर इसको आप फिर इसको होल्ड करो, ये नीचे समझना, ऐसे राइट को आप होल्ड करोगे तो लेफ्ट नीचे जाके ऊपर आएगा, फिर लेफ्ट होल्ड होगा, फिर राइट जाके ऐसे ऊपर आएगा, ये। तो ये जैसे मैंने आपको बताया, ये थोड़ा हल्का एडवांस है, ठीक है, और ये मेरी गारंटी है। आप जैसे कि बाइसेप कर्ल पे आप 15-16 रेप निकाल लोगे 10 केजी पे, तो इस पे आप 7 से 8 ही निकाल पाओगे, इतना आपको पेन देगा। और कि आपका हाथ क्या है, देखो जैसे कि आप मार रहे हो ये डंबल, ठीक है, आपका हाथ इतना और बैंड रहना चाहिए। अगर ऐसा सीधा हो गया तो आपका बाइसेप पे देखो ढीला पड़ जाएगा, लेकिन अगर आपका हाथ इतना रहेगा तो बाइसेप पे टाइट ही रहेगा, समझे, मसल पे टेंशन रहेगा, बात ये है। तो ये हो गया। तो इसके बाद साथ ही साथ हम सेकंड वर्कआउट की बात कर लेते हैं। जैसे कि देखो मैं ये खड़ा हूँ साइड से, आपके साइड पे जो आर्म्स है ना वो बड़ा दिखने वाला है, ठीक है, और अगर मैं ये एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ तो भी बड़ा दिखेगा। और इधर से देखोगे तो ऐसे नहीं नजर आएगा कि आपका बाइसेप है, लेकिन आप साइड से देखोगे तो ज्यादा बाइसेप आपको बड़ा दिखने वाला है इस एक्सरसाइज से, ठीक है। जैसे कि ये डंबल हो गया, सेम आपकी मर्जी, आप कितना भी हैवी डंबल ले सकते हो, लेकिन सही मारना है, ठीक है, फिर आपको स्ट्रेट खड़ा हो जाना है। उसके बाद इसमें भी दो ग्रिप आती है, ठीक है, एक तो होता है स्ट्रेट और दूसरा होता है इनर। अभी आपको देखना है कि आपको कौन सी अच्छी लगती है, ठीक है, या तो आप इनर कर सकते हो या आउटर कर सकते हो, लेकिन अगर मेरी प्रेफरेंस देखोगे तो मैं आपको बताने जाऊंगा अंदर की साइड थोड़ा ज्यादा आपको हेल्पफुल करेगा, ठीक है। सेम जैसे मैंने आपको बताया था, अप फिर सेम अप करना है, फिर राइट डाउन, फिर राइट को ऊपर लेके आओ, लेफ्ट डाउन, फिर लेफ्ट को ऊपर लेके आओ, राइट डाउन, समझ रहे हो। तो आपके हाथ को जो है ना, वो जो बोलते ना पेन, वो पेन आपके हाथ में बना रहेगा, और जितना पेन होगा उतनी अच्छी आपकी जो बाइसेप है वो बनेगी। बाइसेप क्या, कोई भी बॉडी पार्ट होगी ना वो आपकी अच्छी दिखने वाली है, ठीक है। ये होगी हमारी सेकंड वर्कआउट। अभी थर्ड वर्कआउट कौन सी मानिए, थर्ड वर्कआउट क्या है, ऐसे फोटो देखो आर्नोल्ड का, आर्नोल्ड जी का, इनका जो बाइसेप का पीक जो है कितना अच्छा है, और वो पीक लाने के लिए कौन सी वर्कआउट होती है, ठीक है। तो पीक लाने के लिए जैसे आप कोई भी टेबल बेंच ले लो आपके जिम में, उसके बाद डंबल, मैं आपको सेम डंबल से बता रहा हूँ, ऐसे जरूरी नहीं आपको सेम डंबल से मारना है, आप अपने वेट के कैपेसिटी के हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। फिर आपका जो हाथ है, आपकी जो नी है और ये एल्बो साथ में रहेगा, फिर आपका हाथ बाहर भी नहीं अंदर भी नहीं, इतना। उसके बाद अप जाने के बाद स्लोली डाउन, और याद रहे सीधा ही होना चाहिए आपका हाथ, इतना बैंड रहना चाहिए, फिर अप स्लोली डाउन, अप स्लोली डाउन, सेम इस हाथ से, और उसके बाद ये हो जाएगा, फिर आपको इस हाथ से करना है, ठीक है। तो एक सेट में आपको करना है 4 सेट, और ये जो एक सेट होगा ना उस पर आपको 3 to 4 failure जाना है, 4 बार आप मारोगे उसमें से 1 बार जो रहेगा 3 to 4 failure रहेगा, ऐसा आपको 3 बार फेलियर तक जाना है, ठीक है, 4 बार। तो ये हो गया तीसरी वर्कआउट, और लास्ट वर्कआउट जो मैं आपको बाइसेप की बताने जा रहा हूँ, सबसे मतलब डेंजरस पकड़ लो, क्योंकि उसमें क्या बाइसेप टियर भी होता है फ्री वेट से, ठीक है। तो उसके लिए सेम डंबल से, हमें मशीन यूज नहीं करनी है, ओनली डंबल। तो देखो मैं तो अपनी सेफ्टी के लिए मैं कम वेट लेके मारूंगा, अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा मार सकते हो तो आप ज्यादा मारो, आपकी मर्जी। फिर टीयर होगा तो मुझे नहीं बोलना कमेंट सेक्शन में आके, बस मैं 7 kg ले रहा हूँ, ठीक है। अभी आपके जिम में प्रीचर कल की मशीन होगी तो मशीन पे नहीं मारना है, हमें किस पे मारना है, सिंपल सी बात है, फ्री वेट पे मारना है। फ्री वेट पे क्यों, फ्री वेट पे जो आपका जो ये डंबल है ना, आपका जो हाथ है एकदम टेंशन से बना रहता है, अगर आप फ्री वेट पे लोगे तो आपको उतना फील नहीं आएगा। एजुकेशन तनाव, जैसे कि मैंने ये रख दिया, मैं खड़ा होकर बता रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या, सब देखो ऐसे मार दीजिए, टेढ़ा नहीं करना, सीधी बात है, आपको नॉर्मल रखना है, आपका जो ये एल्बो है रिस्ट है अंदर की तरफ रहेगा, उसके बाद 3 के काउंट पे नीचे जाना है, 3 के काउंट पे 1 2 3, फिर यहां से इतना स्ट्रेट नहीं करना, पहले आप देख लो ध्यान से, स्ट्रेट नहीं करना है, इतना बैंड, फिर अप, फिर 3 के काउंट पे, देखो मैं खाली आपको बता रहा हूं तो मेरे को इतना पेन हो रहा है, मुंह से आवाज तक निकल जा रही है,
तो अगर आप सोचे सेट कंप्लीट करोगे तो आपको कैसा पंप आने वाला है आपके हाथों में, ठीक है। ये हो गई अपनी वर्कआउट और इसी के साथ हम जाते हैं लास्ट वर्कआउट की ओर। लास्ट जो है सबसे एडवांस में है और सबसे बेस्ट मान लो आप कोई बाइसेप वर्कआउट का, जितने भी मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर आपके जिम में ये नहीं होगा तो आप और ऑर्डर ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जैसे कि बाइसेप कैसे मारते हैं सबको पता है, लेकिन हमें क्या करना है, हाफ इंच मारना है। हाफ इंच कैसे, ये 1 2 3 आपको 6 मारना है, आपको 3 मार के बता रहा हूँ, ठीक है। 3 हो गया। उसके बाद फिर ऊपर से हाफ, 1 2 3 फिर आपको फुल ऑफ रेंज मोशन मारना है, 1 2 3 तो आपको समझ में आ गया होगा। मतलब पहले आपको क्या करना है, हाफ मारना है, 6 रैप, फिर यहाँ से अप जाएगा 6 रैप, उसके बाद फुल रैप आएगा आपका 6 रैप। इतना आप कर लो, आपकी बाइसेप अगर ग्रो नहीं हुई तो मुझे आप बोलना, बस आपकी डाइट क्लीन रखना, बस इतना ही। तो आज के लिए इतना ही। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।